नमस्कार आपण सब रिनालीन.com को बहुत बहुत स्वागत। आज आम अति कौलिया और सुआदिया ओडिया घर गोटे पिठा क्षीर पोड़ पिठा तैयारी जोटा कि एते कौलिया होता है जेकोसी बयसर व्यक्ति विशेषकर वयस्क व्यक्ति आराम से आपको खाई आराम से आपको आपड़ा स्टोर करके भी रखिपारे। तो आशा करूँ आज पिठा रेसीपीटे आपको बहुत भल लगे। भल लगे वीडियो को लाइक करूँ आपंकर फ्रेंड्स और रिलेटिव सहित आपको सेयार करूँ एवं तो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबापी सब्सक्राइब पाखे बेल आइकन ने प्रेस करनी। तेज चलत देखने आज रेसीपी तो आमको यह सब सामग्री दरकार। ये मो फुल गोटे कप कि 125 ग्राम बासुमती चावल को पानी तीन घंटा बतुरी रखी जिते अधिका बतुरे से बढ़ा से आम चिकण होकर चावल पिठ तैयारी हम आ जगार चाहिए आपड़ दोसा इडली जो चावल मिलता है ताकू नहीं पारे ना तो नहीं पारे पिठा बना अरुआ चावल तहत नहीं जा गोटे पैकेट कि हाफ लिटर क्षीर किंवा अनुपात एमितिया रोकी आप चावल ने तार चारिगुणा नहीं जाए क्षीर ता सहित ये मुझे जाइए मीडियम मीठा रही 3/4 कप कि 6 बड़ चामच चीनी मीठा जैक खाइबे से अनुसार चीनी मात्रा को कम बेसी भी करेंगे 3-4 बड़ चामच नड़िया कोरा आउ कि नड़िया को पूरा पतला छोट छोट करजु को खंड करके किसमिश को हाल्का खाली ब्राउन कलर आसवा जाए घी में भाजी नहींगुड़ाक बिलकुल ऑप्शनल अच्छी कितना खाला बेले पार्टी को बढ़िया लगी थाए सहित पोड़ में देखा सुंदर लगी थाए आपड़ चाहिए देपारे ना आपको सब स्कीप भी करें 3-4 ग्रीन गुजराती मंजी को छेचिकी गुंड कर जोटा कि अच्छे गोटे छोट चामच बढ़िया बास्ना दे था कि लुण आ सहित नहीं जाए खाइबा घी। तो प्रथम बतुरी रखी चाउल को 3-4 थर पर भल भाव धोई नहीं कि ब्लेंडिंग जारे देद आवश्यक अनुसार खूब कम करके क्षीर ना तो पा देते पारे पूरा चिकन भाव में ग्राइंड करने। तो आपड़ देखिपार चाउल पिठर कनसीस्टेन्सी एमती ही रहलिया क्षीर पर पूरा चिकन ता सहित तो जो जगार आम पोड़ पिठा तैयारी से जगह को आगर रेडी कर नवा चारिड़े भल भाव घी लगे ताद्वारा जितेबाला आम पोड़ पिठा को बनला काढ़ा बहुत सहजरे बाहरी आ मन रखत कड़े हो तसला किमती पैन जो थे भी आप पोड़ पिठा तैयारी तार ये बेस्टा जमी मोटा रही एबे फुटे नवा हाफ लिटर क्षीर को मीडियम हाई फ्लेम रे किंतु मझे मझे क्षीर तले न लगे तलु आ तार चारिपाख सैड्रु एमती पातिया कि स्पैचुला साहाज्य भल भाव गोल नौते किसी समय पर आप देखिपार क्षीर ये फुटिकी उतरवा स्टार्ट गोटे थर एम उतरवा स्टार्ट मैंने मीडियम हाई रु गैस फ्लेम को पूरा लो करदे आपर ये देखिपार कड़ेर तल आ चारिपाख भल भाव में एमती सर को गोल कि गोटे जगह को नहीं आसवा आईदेबा ए मिठापाई चीनी जमी मुझे मीडियम मिठा करुच्ची आ पोड़ ही हाल्का मिठा होते टे भल बेस लगी थाए सहित बालान्स हाँपाई 1/4 टी स्पून कि गोटे पिंसे दूसरी लुण आ चीनी को भल भाव मिसीबा जाए लो फ्लेम रे ही सेमती गोल नवा तापर देदेबा नड़िया कोरा कटा नड़िया भजा ड्राई फ्रुट्स बासनापाई गुजराती गुंड सब देखिए टिके गोल ना गोटे हाथ में ढाईदेबा चाउल पिठो कि बैटर आउ अन्य हाथ में पार्लरली लो फ्लेम रे कंटिन्यूसली गोल नवा मात्र 2 मिनिट भितर आपड़ देखिपार चाउल पिठो ये केत सारा धीरे धीरे आंट हवा स्टार्ट तेणु हाथ बंद न करके गैस फ्लेम को लोरे ही रखिके आपको चापी चापी एमती कंटिन्यूसली गोलैबे ताद्वारा चाउल जंतणी पूरा चिकन हम आउ लो फ्लेम आपको एमती गोलैले फुटी फुटी कंचा चाउल पिठो बढ़िया से सीझी थाए पेट खराब हुए नहीं पूरा कौली आउ टेस्टी लगी थाए। चार मिनिट भितर ये आपड़ देखिपार चाउल जंतणी के बढ़िया से सीझिकी कढ़ईर तलू छाड़ा स्टार्ट होमती टी कौली थोड़ा सहित तो कढ़ईर छाड़ जाते जानवे जो परफेक्ट कनसीस्टेन्सी अच्छी कौलिया पोड़ पिठा तैयारी बेसी आठ सुखा करें तो ये गैस फ्लेम को बंद करदे आमती गरमा गरम ढाईदे जो जगार घी आम ग्रीस करते कि जो जगार पोड़ पिठा को या चाउल जंतणी ए टाइम रे बहुत गरम थाए तेणु पूरा केयरफुली ताको पानी हाथ होकर ही धीरे धीरे एमितिया सबुआड़ चिकन करके सेट करे आत हवा द्वारा चाउल पिठो हाथ में अठा हो कि लगे
तो ये आप देखिपुर मो स्पैचुला साहाज्यरे भल भाव या चिकण कर सबुआ सेट कर एथेरे आउ टिके ग्लॉसी साइनी देखा जीवा पाई गोटे छोटो चामच खाइबा घी ऊपर स्प्रेड करनो छी जोटा के अछि बिल्कुल ऑप्शनल आपण चाहले देई परिबे नले स्किप करि परिबे। तो एबे घोडे नबा को आ घोडोनी रे जदी एमते किछि होल अछि आ को एमते पेपर नले तो इयरबड साइज रे कवर कर नेबे। तापर आकु गैस रो फ्लेम को पूरा लो रे रखि के किछि समय भलो भाबरे सिझि नबा। 25 मिनिट पर ये मोर पिठा बढ़िया से सीझिकी तल लेयरटा ब्राउन कलर आसी जाइए और गैस रो फ्लेम भी बंद कर नहीं 20 मिनिट पर थरे चेक करेंगे। जदि आपणकर तल लेयर पिठार ब्राउन कलर आसी नथिबो तेबे आउ किछि समय ताकु बसे नबे फ्लेम उपर। एठी मु पिठार ऊपर लेयर को आउ सिझौनी किंबा पोडुनी आपण चाहिले ता उपर प्लेट देके केयरफुली ताकु उल्टे नेबे आउ किछि समय पई पुणी थरे ब्राउन कलर आसीबा जाय पक साइडटा मते बेक करि परिबे। एबे जेहेतु एटा बहुत गरम अछि पूरा कोळिया थाए तेनु मु उल्टे के आपनकु देखौनी फैन तळे एबे आकु आमे पूरा थंडा करनबा तापरे मु देखेबी जे एटा केमितिया भलो भाबरे सिझिछि आउ केमितिया कलर आसीछि पिठार। किसी समय पर पिठा ये आम पूरा थंडा हो जाए पूरा थंडा करवा निहाती दरकार आपण को मुझे देखो एम छुईक भी देखा देखो के चिकण अच्छी ता सहित हाथ में किसी भी अठाड़िया लगुनि पूरा बढ़िया से सेट हो जामती पूरा थंडा हो गले ही आम आराम से आपको उल्टे के काटिपर आपण देखिपे सुंदर परफेक्ट पूरा ब्राउन कलर होटा पोड़ी एमितिया कलर निहाती आसवा दरकार बहुत बढ़िया गुजराती बास्ना भी आसूँ और बहुत देखो के कलिया भी काटिले भी आप जापर जो आहरी केत पूर्व आराम से काटापी छुरी में आम टिके लगेद घी कि तेल तो आप जो सैज्रे चाहिए आपको काटि नहीं पारे। एबे एठी हमरा अति कोळिया आ सुआदिया खीरो पोडो पिठा बिल्कुल खाइबा पई रेडी हे गला। गोटे पीस पाखो को आनी बे देखौ जे देखंतु केते चिकण हे जे परफेक्टली पूरा पोड़ी की बढ़िया ब्राउन कलर बे आसी जे केते कोळिया देखंतु खाइला माने पूरा पाटी रे मिले जाय आ प्रत्येक बाइट रे जते बेले भजा ड्राई फ्रूट्स आ खंडो नडिया रो जाय थाए दाना सेते बेले आहुरी टेस्ट लागी थाए। मोर तो बहुत पसंद एमितिया पोड़ो भितर जिते बड़े काजू किसमिश किसी पड़ी थाए आपन को पसंद लगे कि नहीं निश्चिंत भाव में कमेंट कर जनइबे आकु आपण आराम से फ्रिज भितर एटेड कंटेनर रे दुई दिन जाए भी रखिके एंजॉय करि परिबे। तबे आउ डेरी न करे प्रोसेस रे थरे पोड़ो पिठा को घरे बनांतु आ बनेला परे आपन को केमते लागिला मो सहित आपणकर अनुभव वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे शेयर करंतु। धन्यवाद। तो पुणी देखा हा नेक्स्ट वीडियो रे आ ए पाखरे थिबा फेस आइकन को क्लिक करी मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु।